भारतीय हठ धर्मी इंतहा को जा पहुंची। भारतीय वजीर दाखला ने मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल को नॉर्मल करार दे दिया। कहा वादी में ना अद्वियात की किल्लत है ना ही कर्फ्यू नाफिज है। भारत कश्मीर में सब अच्छा का राग अलापने लगा। नई दिल्ली में भारतीय वजीर दाखला अमित शाह ने राज्यसभा में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश करते हुए सूरत हाल को नॉर्मल करार दे दिया। भारतीय वजीर दाखला राज्यसभा में खिताब करते हुए बोले, मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक बहाल हो चुकी है और वादी में इस वक्त कोई कर्फ्यू नहीं। उन्होंने 3 माह से इंटरनेट सर्विस की बंदिश का भी दिफा किया और कहा कि मकामी इंतजामिया जब बेहतर समझेगी इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। अद्वियात मुनासिब तौर पर दस्तियाब है, जबकि अद्वियात की फराहमी के लिए मोबाइल मेडिसिन सर्विस भी शुरू कर दी गई है, लिहाजा वादी में कोई मसला नहीं। भारतीय वजीर दाखला ने इल्जाम आयद किया कि वादी में पाकिस्तानी सरगर्मियां भी हैं, इसलिए सिक्योरिटी को जहन में रखें। इस पर भी मकामी इंतजामिया को सूरत हाल अगर बेहतर लगे तो वो कोई फैसला कर लेंगे।